फाटक पर बनने वाला अंडरपास के कार्य का उद्घाटन आज सांसद गुरजीत सिंह ओझला तथा नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी, कांग्रेस के जिला प्रधान जितेंद्र सोनिया की तरफ से उद्घाटन किया गया और वहां पर कई पार्षद भी उपस्थित थे। इस अवसर पर विनोद अरोड़ा, जिला कांग्रेस के महासचिव वार्ड 25 से रंजीत सिंह, वार्ड प्रधान 29 के पुल्ली प्रधान मालवी देवी, वार्ड नंबर 25 से अमन बाला, वार्ड नंबर 24 से हैप्पी सिंह, हीरा सिंह, तरमेश सिंह और इलाका निवासियों ने गुरजीत सिंह ओझला, दिनेश बस्सी का धन्यवाद किया। परमेश्वर पिता जी को लख लख बार शुक्र करते इतने जो भी अंदर पात इस जगह जोड़े प्रभु बन जा रहे प्रभु इस जगह तुहाडी कृपा होए प्रभु ये तुहाडी महान कृपा होई कि जो प्रभु अंदर पाता है ये प्रोग्राम लिखा गया इसनू पास किया गया जिन्हें भी प्रभु योद्धेदारा ने एम पी साहब इंप्रूवमेंट पहला भी चेयरमैन रहे ने वो भी चंगे हो गए पर एक बहुत वधिया चेयरमैन सानू इंप्रूवमेंट रस्ता मिले है जिहड़ा आप इन्हां चीज़ां नू समझदा है क्योंकि वर्कर रहा है जिला प्रधान रहा है यूथ है इन्हू पता है दर्द दुख दर्द की होंगे साड़ी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की प्रधान जतेंद्र सोनिया जी अजीत भाटिया जी साढ़े बहुत ही सीनियर कांग्रेस के काउंसलर ने और जो भाटिया साहब का नाल ही ना मैं हरपाल की याद जरूर आती है क्योंकि मेरा चंगा दोस्त ही मैं हमेशा इन्हू याद करता जिहड़ा अंडरपास बनने आया जौड़ा फाटक के विखे ये अंडरपास बहुत वड्डी डिमांड सी सब तो वड्डी गल दुखदाई घटना जिहड़ी वापरी साडे इत्थे दशहरे ते जिथे साडिया बहुत जी चले गए उन्हां नूं समर्पित और इस इलाके की जिथे 1.5-2 लाख के करीब आबादी है इस फाटक तो पार जौड़े फाटक उन्हां नूं बड़ियां मुश्किलों का सामना करना पैंदा सी समय समय से हर किसी ने कोशिश की पर तुहाडे दास वल्लों केंद्र दे विचों इहनूं पास करा के लिआंदा गया और जिहड़े पैसे है वो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट तो श्री दिनेश बस्सी मेरा छोटा वीर है उन्हें बहुत क्योंकि वो बहुत तत्पर रहिंदा क्योंकि वो विकास के कामों वास्ते आप प्रधान भी रहा जिहदे दा उन्हूं पता भी है सारिया दुख दर्द का वो उन्हें ये वास्ते 25.5 करोड़ रुपया मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का धन्यवाद ब्रह्म महिंद्रा जी का धन्यवाद जिन्होंने अप्रूवल दिती इन्ने पैसों की और अज इहदा काम शुरू होएगा करीब 85 के करीब ट्रेनां जांदियां सी अप डाउन होंदियां सी और नॉइस पोल्यूशन भी घटेगी जिते बाकी मुश्किलों का भी घटा मतलब घटनगियाँ वो भी घटेगी और ये मतलब जरा ये एक मतलब मेजर काम अमृतसर का कह सकते मेजर काम से अमृतसर का जोड़ा हूँ हो जा रहा 6 महीनों के पूरा कंप्लीट होएगा और इतों के लोगों साढ़े कौंसलर मेरे वीर जोड़े ने इतने सारे 9 के करीब कौंसलर पीते हैं अमर है मोती भाटिया जी है अजीत भाटिया जी है सैनी जी है होर भी जिन्हें कौंसलर इतने साढ़े है इन्हों की बड़ी भारी डिमांड ये बार बार सानू कहते साढ़े कांग्रेस वर्कर की बहुत भारी डिमांड थी साढ़े जिला प्रधान सोनिया जी इन्हें भी बार बार कहा कि सानू वर्कर उत्थे बार बार ये गल्लां पुछदे ने कि इहनूं सही करवा सो असी कोशिश करके अज ये जिहड़ा पुल आ ये शुरू होने जा रहा 6 महीनों के लोगों को समर्पित करांगे अज इहदे वास्ते जिहड़ी अरदास बेनतियां ने सैकुलर सारे धर्मां दे लोगों ने साडे जिहड़े मुखी ने उन्होंने कीतियां ने ग्रंथी साहिबान ने पादरी साहिबान ने मौलवी साहिबान ने साडे पंडित साहिबान ने सो मैनूं आस है कि आउण वाले दिनां दे विच देखो वड्डी खुशी की गल है वो चीज़ जिहड़ी असीं बड़े भारी मंग सी साडे MLA साहिबान की वो पूरी मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने की है कैबिनेट के 34 नौकरियां उन्होंने परिवारों को दित्तियां ने क्योंकि घाटा तो बहुत वड्डा क्योंकि जी का घाटा तो नहीं पूरा होंदा पर चलो कुछ मरम जी वो चाहते थे कि यह सानू मिल जाए दुख सुख के बड़ी घाट सी इन नौकरी की तो वो वास्ते कैप्टन साहब का धन्यवाद वो खुशी की गल भी है क्योंकि बड़े बड़ा वड्डा वो वास्ते भी साढ़े सारे MLA साहबान ने वर्कर साहबान ने गल उठाई है और नवजोत सिद्धू होना भी आना से किसी कारण करके नहीं आ सके उन्होंने भी इन चीज़ों वास्ते वो समय समय से अप्रोच कर नहीं पेंडिंग इस करके नहीं यही होंगे किसी
यार हुण मेरे वीर कई कई वो इदा ही कई बार तू खबर कर लगा तू भी नहीं कर पाता समय सिर लेट हो जाना कि तू भी इन्होंने चीजों क्योंकि इन्ना वे पंजाब नहीं बुलाए ये उद्घाटन से तुम देखो तो को नहीं इतने खड़ा हो रहा है कि रस से तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहर मिलते हैं पहले एक बार आप उद्घाटन का काम कर लीए तो वो तो हम थोड़े सामने तुम मीडिया ने कैबिनेट ने सारा पास करता वो तो उन्होंने मिल जाए तो कई बार जो सरकार काम करती है कुछ चीज़ें जी ने किसी दिक्कतों करके नहीं देता तीन नौकरियां तुम्हें क्या वह होता कोई पेपर च कमी हो गलबात की कमी हो भी पूरी करके उन्होंने किन्ने परिवार जोड़ा फाटक की जी इस इलाके की बहुत वड्डी डिमांड थी लगभग 9 वार्डा नू फाटक लगता सी 5,44,00,000 रुपए के नाल लागत के नाल अज असी रेलवे के थ्रू ये काम शुरू करन जा रहे हैं और मैं धन्यवाद करना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का लोकल बॉडी मिनिस्टर ब्रह्मिंदरा जी और अपने मैंबर ऑफ पार्लीमेंट गुरजीत औजला जी का जिन्होंने हरेक तरह का साडा साथ दिता और धन्यवाद इस इलाके के जिहड़े MLA साहब ने उन्हों का जिन्होंने हमेशा विकास के वास्ते गल की और धन्यवाद सब तो व्डा इस इलाके के लोगों का जिन्होंने बार बार जागरूक किया और सब तो व्डा धन्यवाद मैं करना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जिन्होंने कल 34 परिवारों को नौकरियां दे के उस परिवारों की रोजी रोटी बारे सोचा क्योंकि बड़ी वड्डी डिमांड सी उस परिवारों की और इस इलाके की बहुत वड्डी डिमांड सी इस अंडरपास वास्ते और अज असी वो काम शुरू करन जा रहे हैं और 6 महीनों के विच ये अंडरपास बन जाएगा और इस इलाके नू बहुत वड्डी राहत होएगी और मैं समझदा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का और पंजाब सरकार का एक बहुत व्डा तोहफा है इस इलाके 25,44,00,000 रुपया रेलवे ने सानू क्योंकि रेलवे बना रही है 25,44,00,000 रुपये तो उन्होंने डिमांड से असी 10 करोड़ रुपया पहला दिता से 25-15 करोड़ 44 लाख बाद चो दे के उन्होंने टेंडर लगा के मैच्योर हो गया अच्छ काम शुरू हो रहा हल्के के MLA साहब विधानसभा चल रही है इस करके नहीं आए सारे कौंसलर साहबान उन्होंने इतने आए हैं उन्होंने ऐसी कोई गल नहीं और उन्होंने वालों ही सारी आ गई 6 महीने का टाइम है 6 महीने के बीच पूरा होगा अज जोड़ा फाटक के उद्घाटन किया गया संसद गुरजीत सिंह औजला इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बत्ती जी ते नाल साडे नाल कांग्रेस के जिला प्रधान मैडम जतेंद्र सोनिया जी आओ गलबात करते हैं। हाँ जी मैडम जी अज उद्घाटन किया गया जी। हाँ जी अज जोड़ा फाटक रेलवे अंडरपास बनाने का जोड़ा इस काम शुरू कर उद्घाटन साडे बहुत ही सत्कारयोग अमृतसर तो मैंबर पार्लीमेंट श्री गुरजीत औजला जी और साडे दिनेश बत्ती जी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जिन्होंने 25,47,00,000 रुपए की लागत के नाल जोड़ा अंडरपास बनना है उस काम नू शुरुआत किया क्योंकि ये जड़ी इस रेलवे फाटक की बहुत वड्डी समस्या जिहदे तो हजारां लोग जड़े इस अपने कामकारां वास्ते इत्थों लंघदे हैं और 85 के करीब लगभग जड़ियां ट्रेन इत्थों निकलदियां हैं जिहदे करके लोगों नू जाम दे विच बहुत फाटक के
ਇੱਥੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇਗੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਟੱਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਜਾਮ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 34 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।